आधे से ज्यादा अमरीकियों को घर पर रहने का आदेश दिया गया है, बिजनेस बंद हो गए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो रहे हैं। There are other areas that just aren't affected or they're affected very little. And why would we close down 100% of the country? We can't have the cure be worse than the problem. हर कोई सामान्य जिंदगी में जल्द से जल्द लौट जाना चाहता है, लेकिन क्या ये संभव है? पहले देखते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका का कोरोना से क्या हाल है। कोरोना वायरस की शुरुआत तो चीन में हुई, फिर इसका केंद्र इटली में शिफ्ट हुआ जहां लाख से भी ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करते हैं। सभी देशों को एक ही टाइमलाइन पर कंपेयर करें तो यहां पहला दिन वो है जब किसी देश ने एक दिन में 100 केस रिपोर्ट किए। यहां स्पेन को देखिए, इटली से भी ज्यादा शार्प स्पाइक दिखाई देगी। फिर दक्षिण कोरिया को लीजिए, इस देश ने स्पाइक को रोका कैसे? हर दिन कम से कम 10,000 टेस्ट करके 1 मार्च तक 1,00,000 लोगों को टेस्ट कर लिया गया था। हालांकि अमेरिका की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी, लेकिन एकदम इसके केस बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। 30 मार्च तक 1,60,000 केस हो गए थे, लेकिन ज्यादा संख्या का एक मतलब ये भी है कि धीमी शुरुआत के बाद अमेरिका ने टेस्ट की संख्या भी काफी बढ़ा दी है। किस देश के लिए ये कोरोना संक्रमण खतरनाक साबित हुआ, इसके लिए वहां हुई मौतों की संख्या भी देखनी होगी। ये है इटली, चीन, दक्षिण कोरिया में हुई मौतों की संख्या। एक ही टाइमलाइन पर सबको कंपेयर करते हैं। पहला दिन वो जब किसी देश ने एक दिन में 25 से ज्यादा मौतों की पुष्टि की। 23 दिन बाद इटली में 5,000 से ज्यादा मौत हो गई। वहीं स्पेन का कर्व देखिए, स्पेन ने तो 5,000 की संख्या 19 दिन में ही पार कर ली। वहीं तकरीबन 21 दिन बाद अमेरिका में 2,500 मौतें हुई। ऐसा ही फ्रांस में भी देखने को मिला। अगर ये देखना हो कि किस देश ने कितने प्रभावी तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो हमें सिर्फ मौतों की संख्या नहीं कंसिडर करनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना होगा कि मृत्यु दर बढ़ रही है या धीमी पड़ रही है। तो इसके लिए ये टाइमलाइन देखते हैं कि पहले 3 हफ्ते में इन देशों में क्या बदलाव आया है। देखते हैं कि क्या किसी देश ने मृत्यु दर धीमी कर दी है। दक्षिण कोरिया को लेते हैं पहले, जहां ट्रेस टेस्ट ट्रीट स्ट्रेटेजी को काफी सराहा जा रहा है। यहां हर 7 दिन में मृत्यु दर दोगुनी हो गई। वहीं चीन में हर 3 दिन में मृत्यु दर दोगुनी हुई, लेकिन तीसरे हफ्ते में चीन ने इसे कम किया। देखने वाली बात यह है कि किसी यूरोपीय देश को मृत्यु दर कम करने में कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि हर 3 दिन में उनका मृत्यु दर दोगुना हो रहा है। अमेरिका में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में तो इसमें तेजी आई है। डेथ रेट कम करने में अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि इटली के आसपास भी नहीं है। अभी तो हमें नहीं पता कि अमेरिका के ज्यादातर इलाकों के बंद होने का असर क्या होगा, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि सबसे बुरा होना तो अभी बाकी है।